हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको डैड एंड द कैट एंड द ट्री जो ये पोएम है, आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई वाज डैड श्योर ही वुडेंट फेल। जो डैड है इसमें, उसको पूरा विश्वास था कि वो गिरेगा नहीं, ट्री पे जब वो चढ़ेगा तो वो कभी भी गिरेगा नहीं, तो उसको ये पूरा विश्वास क्यों था, तो आपको बताना है। इसका आंसर ये है, डैड थॉट दैट ही वुड बी वेरी इजी टू क्लाइम अ ट्री। जो डैड है वो सोचता है कि पेड़ पर चढ़ना जो है वो उसके लिए बहुत ही आसान है, और ऐसा वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसको लगता है कि ही वॉज अ एक्सपर्ट क्लाइंबर, कि वो एक एक्सपर्ट या स्किलफुल क्लाइंबर है। सो ही वॉज श्योर, इसलिए उसको पक्का विश्वास है कि वो कभी नहीं गिरेगा, ही वुडेंट फॉल फ्रॉम ट्री। और बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। और जो ये फ्रेज है वो है, अ क्लाइंबर लाइक मी। देखो भाई, जो क्लाइंबर है वो मेरी तरह ही होने चाहिए, क्योंकि वो एक स्किलफुल क्लाइंबर है, अपने आप को ये समझता है एक्सपर्ट क्लाइंबर है। तो यही फ्रेज जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेसेस डैड्स कॉन्फिडेंस बेस्ट, डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस। इससे ये पता चलता है कि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टायरिंग हाइट पे है, टायरिंग हाइट्स होती है आसमान की बुलंदियों पे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब प्लान ए, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। भाई, जो प्लान ए बनाया उसने और उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए क्या हुए, तो प्लान ए जो था, इन प्लान ए डैड वॉन्टेड टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर। अब प्लान ए में था कि वो पेड़ पर चढ़ेगा सीढ़ी की मदद से टू सेव द कैट, और कैट को बचा लेगा। द फैक्ट स्लिप्ड एंड डैड फेल इन द फ्लावर बेड, पर वो नहीं चढ़ पाया, स्लिप हो गया और वो फ्लावर बेड पर गिर गया, तो प्लान ए जो था वो फेल हो गया। नेक्स्ट है, प्लान सी वॉज सक्सेस बट वेंट रॉन्ग देन। प्लान जो सी था वो सक्सेस हो गया था, पर उसके बाद क्या हुआ था, क्या गलत हुआ था? तो प्लान सी वॉज सक्सेस बिकॉज द कैट हैड कम डाउन सेफ, कि कैट जो थी वो सेफली वो नीचे आ गई थी। बट द रॉन्ग थिंग, पर जो गलत हुआ था वो ये था कि वॉज द डैट स्टक इन द ट्री। कैट तो नीचे आ गई, पर जो डैट थे वो ट्री पर ही अटक गए, तो ये ऐसा हुआ। द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। जब कैट आ गई ग्राउंड पर तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो इसके लिए आपको एक फ्रेज यूज करना है, जो पिक करना है जो इस आइडिया को एक्सप्रेस कर सके, और वो फ्रेज है, द फ्रेज इज प्लीज्ड एज पंच। और इसके नेक्स्ट है अब हमारा, डिस्क्राइब द कैट एंड डैट सिचुएशन इन द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द पोयम। भाई, जो कैट की और डैड की जो सिचुएशन थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो वो आपको डिस्क्राइब करनी है। तो पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। पहले क्या हुआ, इन द बिगनिंग ऑफ द पोयम द कैट वॉज स्टक इन द ट्री। जो कैट थी वो अटक गई थी ट्री पे, और डैड वॉज ऑन द ग्राउंड, जो डैड था वो ग्राउंड पे था। पर बाद में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ पोयम, जो पोयम खत्म हो रही है, डैड वॉज स्टक इन ट्री, डैड जो थे वो ट्री पर अटक गए, द कैट वॉज ऑन द ग्राउंड, और जो कैट थी वो ग्राउंड पर आ गई, यानी उल्टा हो गया। पहले कैट ऊपर थी ट्री के, डैड नीचे थे, और फिर कैट नीचे आ गई, डैड ऊपर उठ गए। नेक्स्ट है, वाई एंड वेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलिंग। क्यों और कब डैड ने ऐसा कहा, जैसे वो फॉल हुए, नेवर माइंड, ये उनके मूड्स हैं, फनी जोक, ऐसा कब हुआ, जब कहा उन्होंने, रबिश जब कब बोला, तो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। फॉल, डैड सेड, डैड ने कहा कि दिस व्हेन मॉम आस्क्ड हिम नॉट टू फॉल, कि जब उसने, जो उसकी मदर ने कहा कि, मॉम ने कहा कि गिरना नहीं, डैड वांटेड टू प्रूव, और वो ये प्रूव करना चाहते थे दैट ही वाज अ स्किलफुल या एक्सपर्ट, दोनों में से आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वो प्रूव करना चाहते थे कि वो एक स्किलफुल एक्सपर्ट क्लाइंबर हैं, वो आसानी से ट्री पर चढ़ जाएंगे तो वो कभी भी गिरेंगे नहीं, और हमने क्वेश्चन वन में पढ़ा भी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था ये।
नेवर माइंड डैड सेड व्हेन द लैडर स्लिप्ड एंड ही फेल इन द फ्लावर बेड, कि कोई बात नहीं चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्लिप हो जाते हैं और वो फिर गिर गए फ्लावर बेड पे। ही सेड टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड टू क्लाइंब द ट्री, और वो ऐसा कहा कि वो ये डरते नहीं है पेड़ पर चढ़ने के लिए। ही वॉज नॉट अफ्रेड, उन्हें डर नहीं लगता था कि वो जब उन्हें पेड़ पर चढ़ना है तो उस बात का उनको कोई डर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। फनी जोक भाई, उनके लिए फनी जोक था कि ही सैड सो वेन मॉम एडवाइज हिम नॉट टू फॉल अगेन, उन्होंने इस बात को फनी जोक कहा कि वो एडवाइस कर रहे हैं कि भाई दोबारा मत गिरना। भाई ये तो फनी बात होगी ना, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है कि वो तो एक एक्सपर्ट स्किलफुल क्लाइंबर हैं, तो उनके लिए तो ये फनी जोक ही है। रबिश। डैड गॉट एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया। व्हेन मदर आस्क्ड, जब मदर ने कहा उन्हें टू बी केयरफुल, भाई ध्यान से, अदरवाइज ही वुड ब्रेक हिज नेक, नहीं तो वो अपनी गर्दन नेक तोड़वा लेंगे। तो इस बात से उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो सो फादर रबिश इन अ एंग्री मोड, तो वो भले तो रबिश बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने आज पढ़ाई की और आगे पढ़ना चाहते हैं लर्न मोर, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के लिंक्स मिलेंगे, और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।